Assalamu alaikum and welcome to Dil Pasand. Now, I absolutely love the color on this. But I have chosen the wrong one to do the video on. I'm going to show you because they all come in different colors and many of these I have already done. Let's have a look where this one is. Okay, this one is the peach one. Again, this is done in varying styles. Now, in ke styles jo hai na, jo aaj kal ka fashion hai, which has come back after a long time. And iska main thoda sa aapko bayan karun ke ye maine jab first design kiye the, this style, it was back in 2003. Jab maine apni dukaanon ki kis par thi, अरूज पर थी मेरी दुकानें. सो जब मेरा काम अरूज पर था तो इनकी मैंने स्टाइलिंग की थी और मैंने एक बहुत बड़ा फैशन शो किया था जो इट वाज अ कंप्लीटली बिग हिट. आई कैन जस्ट स्टिल रिमेंबर इट लाइक इट वाज यस्टरडे एंड इट वाज सच अ गुड इवेंट. वी हैड सच अ मैसिव टर्नआउट. इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डन इन आवर नेटिव टाउन. And it was so, so good, I'm sure. I have actually videos lying around. One day I would like to dig those out and share those with you. Now, this suit ka color is absolutely gorgeous. Achha, tamam set mein, main agar kahun ki isme meri favorite kaun hai, to ye peach color hai. Aur agar main kahun ki inme maine design kaun sa karna hai, then this is the one that I would like to design and stitch. Iska ye kaam hai, iske... इस पर दामन पर बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई और बहुत ही अच्छे अंदाज से किया हुआ यह है. सारी फिनिशिंग हुई है. यह इसके बाजू के आगे है, ये आप देख सकते हैं बाजू इसके. आप फ्लैरी बनाएं, ऊपर से फिटेड बनाएं, इट वुड लुक अमेजिंग. अच्छा, बजाय इसके कि आप फॉर्च्यून स्पेंड करें यू नो वन ऑफ सूटों पर जो आपने कभी कभार पहने हैं, ये इसका बैक का है, बैक पर भी फुल कढ़ाई है. And honestly, this suit is amazing. अच्छा, इसका ये है दुपट्टा, नेट का दुपट्टा है, एजेस वगैरह फिनिश हुए हैं, ऊपर कढ़ाई है, मोती लगे हुए हैं. फिर ये है इसका जो मेन अट्रैक्शन है बेल बॉटम का. तो अगर आपकी फैमिलीज में शादीज वगैरह हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि सब कलरों में सारी फैमिली सेम लें और मुख्तलिफ डिज़ाइनों में इनकी सिलाई करें, क्योंकि ये ही इन्होंने किया है. ये एक ही कपड़ा लेकिन मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ देंदा हुए, यू नो ऑल ड्रेस्ड इन द सेम स्टाइल, यू नो ड्रेस्ड ऑल इन सेम कलर, बट यू हैव गॉट समथिंग इन कॉमन. सो ये है इसका फुल कढ़ाई वाला नेट का पीस जिसका आपने तैयार करना है. इससे आपने बेल बॉटम तैयार करना है. फिर बेल बॉटम की या फ्लेयर की कटाई आपने कैसी करनी है, वो समथिंग आई शाल इंशाल्लाह शेयर विद यू मे बी ओवर द हॉलीडेज. सो इसके साथ ये उन्होंने दूसरे कपड़े में लाइनिंग का कपड़ा दिया हुआ है. ओके, ये सिल्क नहीं है, सिल्की सॉर्ट ऑफ टेक्स्चर है. और इसका क्या फिनोमिनल ड्रेस बनेगा वो मैं सिर्फ अपने जहन में इमेजिन कर सकती हूँ. आई होप यू हैव गॉट द सेम काइंड ऑफ इमेजिनेशन एज आई हैव एंड यू कैन थिंक अलोंग द सेम लाइन. नाउ नेट इज नॉट ऑलवेज द इजिएस्ट टू स्टिच, बट आई शैल गिव यू टिप्स एंड हिंट्स ऑन हाउ टू स्टिच दिस इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर दैट इट वुड बी सोन लाइक अ प्रोफेशनल. नाउ अनफॉर्चुनेटली आई शैल सो फॉर द मसेज, बट वॉट आई विल डू is teach you guys how to stitch for yourself and not trust the irresponsible tailors who often cannot follow instructions. Because you know what, the ultimate problem is to understand what the customer is demanding is a total difficult thing in its own. Isliye advice yahi hai ki khud seekhein, khud karein और ख़ुद ऐसी स्टाइलिंग और ऐसी डिज़ाइन करें. बेशक आप थोड़ा सा वक़्त लगा दें, जितना वक़्त आप टेलर्स को तलाश करने में लगाएंगे, उनके पास आते जाते और उनके, अगर आपका एक्सपीरियंस इस बात में हो, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड विदाउट मी इवन सेइंग व्हाट अ हसल इट इज. आई मीन आई हैव हैड डेज व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान एंड आई सैट एट द टेलर्स शॉप्स फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आई वाज थिंकिंग For God's sake, if I had the machine here in this time that I've spent at the tailors, I could have got this stitched myself. So ये होती है problem tailors के. इसलिए मैं advice करती हूँ
जितना वक्त आप उधर ज़ाया करेंगे आप उसको खुद ही सिलाई कर लें। सो यह था हमारा डिज़ाइन 3002, एब्सोल्युटली स्टनिंग डिज़ाइन बाय राजी, एंड आई लव द फैक्ट दैट दे हैव गिवन यू एन आइडिया एंड दे हैव गॉन एंड गिवन यू द फैब्रिक अकॉर्डिंगली टू स्टाइल दैट। सो यू नो 2/3 ऑफ द जॉब इज डन, द रेस्ट इज जस्ट कटिंग एंड सोइंग टू योर ओन यू नो योर ओन particular style. The other thing is that with these suits, एक काम बस सिर्फ जो इनमें कमी है और वो है कि जैसा ये जो edges है ना इन पर जो है ना हमने finishing वगैरह करनी है, तो जैसा ये suit है इसके साथ मेरा mind automatically workout करता है कि इसके साथ मैंने ये peach color के हैं, ठीक है, तो इसका ये काम जो है इसके नीचे आपने इस किस्म के मोती वगैरह लगाने हैं। बेशक ये कलर नहीं सही जा रहा, इधर हमको तलाश करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छे तरीके से जाएगा दैट विल मेक द आउटफिट इवन मोर आउटस्टैंडिंग। अच्छा मे बी समथिंग लाइक दिस, मैंने अभी अभी कुछ पार्सल किए हैं, सम टू गो टू खाडे सम टू गो टू, तो उनके साथ उनको मैंने ये भेजे हैं ऐसे मोती वगैरह ताकि जिनसे वो उनकी फिनिशिंग कर सकें। इसका भी थोड़ा सा कलर में फ़र्क आ रहा है, लेकिन सर्च आउट द बीड्स एंड लिटल बिट्स दैट विल गिव योर आउटफिट द एज। ओके सो एनीवे टेक केयर एंड आई शैल जॉइन यू विद द रेस्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सेट। देयर इज ऑल द कलर्स आर अवेलेबल एंड ऑल द डिजाइंस आर स्लाइटली वेरियंग स्लाइटली डिफरेंट, बट आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरी वन विद।